प्रॉब्लम नंबर 714 लॉग बेस 4 टू लॉग बेस 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व, आइए सॉल्यूशन में देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बच्चा कुछ कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा लॉग दिख रहा है, तो परेशान नहीं होना है, पहले एक लॉग की बात कीजिए आप। तो मैंने इस लॉग का जब बात किया तो इसके नीचे में जो फोर है आपका वो बेस हो गया है, लिख दिए हम आपका बेस। और लॉग के आगे यहां से यहां तक तो देखिए, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं गौर से देखिएगा, ये पूरे पार्ट हो गया नंबर। क्या हो गया? पूरे पार्ट नंबर। और जो आरएचएस में हो तो जान ही रहे, ऑलरेडी आरएचएस है। और छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर आरएचएस, बेस टू द पावर। तो बस नंबर के जगह उतार दीजिए यहां से लेकर यहां तक, लिखेंगे टू लॉग बेस 3, 1 प्लस लॉग बेस 2, 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू, और बेस टू दी पावर आर एच एस, तो बेस क्या है 4, और 4 टू दी पावर 1/2। अब थोड़ा समझदार बनिए, टेस्टी टाइप से करिए, 4 टू दी पावर 1/2 मींस 2, तो 2 कैंसिल। अब यहां आ गया आपको लॉग बेस 3, 1 प्लस लॉग बेस 2, 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू, कट होने पर 1 होता है, 0 नहीं, तो चलिए 1 ले लिए। अब फिर आप जब इस लॉग को देखें तो 3 क्या हो गया यहां पर, बोलिए बोलिए बेस। और यहां से यहां तो देखिए, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये पूरा है आपका नंबर, ये हो गया आपका नंबर। और जो आरएचएस पार्ट में तो जान ही रहे हैं आप, फिर फॉर्मूला हो गया आपको नंबर इज इक्वल टू, बोलिए बेस टू द पावर आरएचएस। तो नंबर क्या है भाई, 1 प्लस लॉग बेस 2, 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू बेस टू द पावर आरएचएस मींस 3 टू द पावर 1। इस साइड आ जाइए, अब इधर देखिए, ये 3 टू द पावर 1 क्या होगा 3, और 1 को इधर से लाके सबट्रैक्ट करेंगे तो आरएचएस पार्ट में क्या हो जाएगा 2, बचेगा क्या लॉग बेस 2, 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3। ओके, फिर आप देखिए, जब ये लॉग है तो 2 क्या हो गया यहां पर बेस, और याद इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, देखिए गौर से, ये पूरे पार्ट क्या हो गया नंबर। जब ये नंबर हो गया तो फिर यहां लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर क्या चीज आरएचएस। गुड, तो नंबर क्या है 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू, और बेस टू द पावर आरएचएस मींस 2 पर पावर 2। अब बताइए आप 2 पर पावर 2 क्या होगा 4, 1 आके सबट्रैक्ट हो गया, क्या मिलेगा इधर क्या है बोलिए 3 log x बेस 3। अब ये 3 कैंसिल, मिलेगा log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। और फिर आप चलेंगे, ये क्या है बोलिए log, तो x क्या हो गया नंबर, 3 क्या हो गया बेस, 1 क्या हो गया आरएचएस, तो बोलेंगे नंबर बराबर बेस टू द पावर 3 टू द पावर, यानी फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? नोट कीजिए, अब एक मिनट खड़िए। अब हम यहां बताने जा रहे हैं अमीबा फोटो में रामबान, क्या बताने जा रहे हैं रामबान, थोड़ा सा केयर कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन को आपने सिस्टमेटिक बनाया, बन गया। सपोज करिए कि आपका आंसर एक्स इज इक्वल टू कितना आया है, अब आ दीजिए, अगर मान लीजिए -3 आता, क्या आता -3, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 आया तभी बोलिएगा आंसर,
आप माइनस थ्री आया तभी बोलिएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है वो समझिए, जब भी आप लॉग लिखे तो लॉग के लास्ट में देखिए लॉग है यहां, तो लॉग के साथ नंबर कौन है, एक्स, नंबर कौन है X. इस लॉग के साथ नंबर कौन है X. और आप जानते हैं प्रॉपर्टीज कि नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर ऑलवेज, बेस ऑलवेज क्लियर, बेस हमेशा एक के बराबर नहीं होगा, सोचना है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे कहने का मतलब है कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, आंसर कितना आ गया थ्री के जगह माइनस थ्री, तो अगर ये चीज माइंड में नहीं रहेगा तो आप आंसर क्या लिखोगे माइनस थ्री। लेकिन आपको ये बात लेना है कि लॉग है तो एक्स क्या होगा ऑलवेज, देखिए वहां पर लॉग एक्स बेस क्या है थ्री, तो लिखेंगे आप इट इज डिफाइंड एज एक्स ग्रेटर देन जीरो। आप बोल रहे हैं कि x का मान पॉजिटिव ही डिफाइंड होगा, क्या होगा और आंसर मान लीजिए क्या आ गया, तो क्या बोलेंगे आप, नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, गुड। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और एक ऑप्शन में दे दिया गया थ्री, दूसरे ऑप्शन में दे दिया गया माइनस थ्री और तीसरे ऑप्शन दे दिया गया नो सॉल्यूशन और आ गया निगेटिव मान, तो आप आंसर क्या मारोगे, नो सॉल्यूशन। ये नहीं कि आप ले लीजिएगा माइनस थ्री, मतलब जब भी आंसर आपको आ जाए तो आपको उस आंसर को सेटिस्फाइड करवाना है या चेक करना है दिस कंडीशन से नंबर ग्रेटर देन जीरो। कभी कभी अभी जो आंसर कितना आया बताइए, थ्री आया, दो आंसर भी आ सकता है, अगर मान लीजिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाए तो दो आंसर आ जाएगा, मान लीजिए एक थ्री आ गया, यहां पर लिखते हैं हम, यहां लिखते हैं कि एक एक्स का मान थ्री आ गया और एक माइनस टू आ गया, थ्री आ गया और तो आप क्या लोगे भाई, आप दोनों आंसर लेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं जानेंगे तब आप बोलेंगे सर एक्स का सॉल्यूशन थ्री भी है और माइनस टू भी है, लेकिन आप यहां रामबाण सीखे हैं कि नंबर ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हो गया माइनस टू आर नेग्लेक्टेड, माइनस टू नेग्लेक्ट कर गया, ओनली वन पॉसिबिलिटी आंसर क्या चीज, एक्स इज इक्वल टू थ्री। ओके नोट कीजिए, निवास कुमार का भेजा है, वीडियो चल ही रहा है क्या,